जमुई शहर से यह खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि यहाँ दो अलग अलग जगहों से भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ चार तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। जमुई पुलिस लगातार शराब माफियाओं के खिलाफ अभियान चला रही है और लगातार यहाँ पर शराब के बड़े खेप बरामद किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में यह कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि सुधा डेयरी के गाड़ी से शराब की तस्करी की जा रही थी। गुप्त सूचना जब मिली तो उत्पाद विभाग को यह इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई। गिरिडीह से मुजफ्फरपुर और बेगूसराय ले जाई जा रही थी यह शराब की खेप, जिस दौरान पुलिस ने यह कार्रवाई की है। बताया जाता है कि जमुई जिले के दो अलग अलग जगहों से उत्पाद विभाग की टीम ने भारी मात्रा में विदेशी शराब की खेप को बरामद करने में सफलता पाई है। साथ ही मौके से चार तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। प्रेस वार्ता के दौरान उत्पाद अधीक्षक जमुई रजनीश कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि शराब की बड़ी खेप झारखंड से जमुई के रास्ते मुजफ्फरपुर के इलाकों में ले जाई जा रही है। सूचना के आधार पर एक टीम बनाई गई और टीम में एएसआई मसूदुद्दीन यादव, एएसआई ब्रजनंदन सिंह और उत्पाद के सिपाही मदन उत्तम, गौतम संतोष, असलुद्दुल्ला विकास को शामिल किया गया था। गठित टीम के द्वारा गिद्धौर के कैरा दौरा मोड़ तथा आसपास के इलाकों में छापेमारी की गई और इस दौरान भारी मात्रा में शराब की खेप बरामद की गई। बताया जाता है कि कैरा कादो के समीप से सुधा डेयरी के वाहन में तहखाना बनाकर विदेशी शराब की खेप को ले जाया जा रहा था, जिसे पकड़ा गया है। एक तस्कर को भी मौके से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार तस्कर की पहचान विष्णु कुमार विश्वकर्मा के रूप में की गई। शराब गिरिडीह से मुजफ्फरपुर जा रहे थे। वाहन चेकिंग के दौरान 40 कार्टून 1128 बोतल शराब बरामद किया गया है। उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि दूसरा शराब की खेप शहर के थाना क्षेत्र के समीप से बरामद किया गया है। वाहन के ही तीन तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान गिरफ्तार तस्कर की पहचान बेगूसराय के अमन कुमार, चंदन कुमार और समस्तीपुर के भरत यादव के रूप में की गई है। बताया जाता है कि वाहन की तलाशी के दौरान 100 लीटर बियर बरामद किया गया। उन्होंने बताया कि शराब गिरिडीह से बेगूसराय ले जाई जा रही थी। सभी तस्कर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि शराब का बाजार मूल्य तकरीबन 5 लाख रुपए आंका गया है। गिरिडीह से गाड़ी आ रहा है, उसको कुछ शराब लगा हुआ है। हम लोगों ने झाझा से लेके और ये कैरा कादो तक अपना ट्रोलिंग कर रहे थे लोग। इसी जांच के क्रम में ये सुधा डेयरी लिखा हुआ एक पिकअप वैन को रोका गया। इसमें जांच करने पे ये शराब, विदेशी शराब बरामद हुआ है और इसमें एक गिरफ्तार हुआ है व्यक्ति, जिसको वो उसने बताया कि वो गिरिडीह से मुजफ्फरपुर ले जा रहा था शराब को। और आगे कार्रवाई हम लोग, गाड़ी में क्या लिखा हुआ था सर? गाड़ी में सुधा डेयरी लिखा हुआ था, ऐसा कुछ कितने मात्रा में था? और एक दूसरी गाड़ी जो पकड़ी गई है, दूसरी गाड़ी एक आल्टो गाड़ी पकड़ी गई है, जो कि वो गिरिडीह से ही आ रहा था, बेगूसराय लेके जाना था। वो यही जमुई बदवन तालाब के पास ही उसको रोका गया। उसमें जाके क्रम में बियर बरामद हुआ, उसमें तीन व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। आगे कार्रवाई की जा रही है। कितना मात्रा शराब हुआ, कितने कीमत काउंट किया जा रहा है, काउंट करके फिर हम लोग कंप्लेन बता पाएंगे। पावन जैसे मधु शिव रसना के बोल, भक्ति के हंसा ही चुगे मुझे।